गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रट्टू तोता के अंदर। जैसा कि अपन ने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था कंक्रीट टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू आरटीयू, वैसे ही अपन अब पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो इसके अंदर आपके 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर्स को अपन ने डिवाइड किया है पांच सब मॉड्यूल्स के अंदर। तो पांच मॉड्यूल्स है, तो पहला मॉड्यूल अपन देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट मॉड्यूल जिसके दो चैप्टर लिए हैं। फर्स्ट जैसा है आपका इंट्रोडक्शन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ दी सब्जेक्ट, कि क्या इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट का, क्या होता है सब्जेक्ट, उसका स्कोप क्या है आगे इंजीनियरिंग के अंदर, और उसका आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लिया है, वो आपका इधर है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल्स आप जानते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे वहां लिख रखा है स्टोन हो गया, ब्रिक हुआ, टाइल हुआ, फ्लाई ऐश हुआ, और मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है जैसे पेंट, वार्निशेस, डिस्टेम्पर, पीवीसी, ये सब क्या है आपके मिसलेनियस मटेरियल्स है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर, ठीक है, पहला मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आरटीयू में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टोन, क्या एक्सप्लेन या डिफाइन स्टोन और दी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, के स्टोन क्या होता है और किस किस टाइप्स के अंदर उसको क्लासिफाई कर रखा है। तो पहला है स्टोन। स्टोन क्या होता है? स्टोन एक फ्रेगमेंटेड पार्ट है आपके रॉक का। रॉक होता है चट्टानों का, चट्टानों का ही फ्रेगमेंटेड पार्ट है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको आपने स्टोन बोला है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग एक्शन से वो टूट के आ जाते हैं, इसको बोलते हो स्टोन। तो अब जो आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन, वो है आपके क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, स्टोन को कैसे क्लासिफाई किया है। तो जनरली थ्री वेज के अंदर क्लासिफाई किया है। पहला है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है फिजिकल एंड केमिकल। तो यहाँ पे तीनों लिख रखे हैं। ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, पहला है आपका जियोलॉजिकल, देन फिजिकल और केमिकल, तीनों क्लासिफिकेशन आ गए। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, इसको सब डिवाइड किया है तीन पार्ट के अंदर। यहाँ दिख रहा होगा इग्नस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, तीन तरह के होते हैं। तो इग्नस सबसे पहली बात करते हैं, इग्नस, इग्नस रॉक क्या होते हैं? इग्नस रॉक जो होते हैं वो क्या होता है कि कूलिंग ऑफ मैग्मा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, के मतलब कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनते हैं, के मैग्मा के ठंडे होने से, लावा और मैग्मा के ठंडे होने से जो बनते हैं उसको बोलते हो आप इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक को आपने फिर सब क्लासिफाई किया है प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और वॉल्केनिक। अब ये क्या है कि ये तो था इग्नियस रॉक, के कैसे बनता है इग्नियस रॉक, तो मैग्मा जो होता है मोल्टन मैग्मा होता है वो जम जाता है, उससे जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। इसका सब क्लासिफाई किया है तीन पार्ट्स में। प्लूटोनिक, प्लूटोनिक का मतलब है कि जो मैग्मा, ये जो लावा जो आपका कूल डाउन हो रहा है वो एक ग्रेट डेप्थ पे अंदर हो, ग्रेट डेप्थ के अंदर जाके क्या हो वो कूल डाउन हो, तो उससे जो रॉक बनेगा उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। उसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? आपका प्लूटोनिक रॉक है। सेकंड अपन बात करते हैं, वो लिखा है हाइपरबेसल रॉक। हाइपरबेसल रॉक क्या होते हैं? ये एक शेलो डेप्थ पे बनते हैं, ये जो मोल्टन मैग्मा जो होता है, जो कूल डाउन होता है, ये शेलो डेप्थ पे होता है, मतलब सरफेस से कुछ ही डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा ये जम जाएगा, और वहां जो रॉक बनेगी उसको बोलेंगे हाइपरबेसल रॉक। उसका भी एग्जाम्पल दे रखा है डोलेराइट, यहाँ पे लिख रखा है डोलेराइट, वो उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं अपन वॉल्केनिक रॉक जो है, वॉल्केनिक रॉक, इस वॉल्केनिक रॉक कैसे बनता है? सरफेस ऑफ द अर्थ, के अर्थ के सरफेस के ऊपर मोल्टन मैग्मा क्या होता है कूल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं आप वॉल्केनिक रॉक। तो वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या एक तरह का वॉल्केनिक रॉक है। तो ये पहला हुआ आपका कि इग्नेस रॉक, और इग्नेस रॉक के सब क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट जो है आपका ये सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? सबसे पहली बात तो कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे, हाउ दे आर फॉर्म्ड, कैसे ये फॉर्म होते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, मतलब जो पहले से ही बना हुआ जो रॉक है उसी के ऊपर क्या होते हैं पार्टिकल्स आके डिपॉजिट होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, उससे जो रॉक बनता है उसको क्या बोलेंगे अपन सेडिमेंट्री रॉक। अब डिपॉजिट कैसे होते हैं? बाय वेदरिंग एक्शन। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से डिपॉजिट्स है। तो अकॉर्डिंग टू डिपोजिशन, ये जो क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू डिपोजिशन, मतलब रॉक तो बना हुआ है, अब उस रॉक के ऊपर पार्टिकल्स आ रहे, चाहे वो क्ले हो, चाहे वो सिल्ट हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो लीव्स कुछ भी हो, सारे के सारे आके उसके ऊपर जम रहे हो, उससे जो रॉक बनती है डिपोजिशन से उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो अभी जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू देयर डिपॉजिट्स। तो पहला है रेसिड्यूअल डिपॉजिट। रेसिड्यूअल का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे वेदरिंग हुई, वेदरिंग का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल एजेंसी से उस रॉक का टूटना, ठीक है, उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग के टाइम पे क्या होता है कि जब वेदरिंग हुई तो कुछ अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, जो कुछ अमाउंट ऑफ आपका
सैंड वो क्या हो गई, चली गई और दूसरी जगह पे जाके सेटल हो गई, बट कुछ तो वहीं पे रह गई। जैसे एक बात करें कि एक ढेर है आपका सैंड का, वहां से हवा आई और उस सैंड को लेके चली गई, बट कुछ अमाउंट ऑफ सैंड तो वहीं पे रह जाएगी। उस रह हुई डिपॉजिट्स को बोलते हैं रेसिडुअल डिपॉजिट्स। उस रेसिडुअल डिपॉजिट से जो रॉक का फॉर्मेशन था वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती है, तो डिपॉजिट के अकॉर्डिंग रेसिडुअल डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। अब क्या होते हैं कि जो नॉन डिजोल्वेबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे क्ले हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, पानी के साथ बह के कहीं ना कहीं आगे जाके रुक जाएंगे किसी एक रॉक के ऊपर, एग्जिस्टिंग रॉक के ऊपर, और रुकते रुकते जमते जमते टाइम बाय टाइम वो क्या होता जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी रॉक की, उसको बोलेंगे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केमिकल। केमिकल के अंदर फिजियो केमिकल एजेंसीज होती है, जैसे बात करें इवॉपरेशन, ट्रांसपीरेशन और प्रेसिपिटेशन। कुछ चीजें बता रखे हैं आपको। इवॉपरेशन का मतलब होता है कि सरफेस से पानी का उड़ना, तो पानी जब इवॉपरेट करा सरफेस से, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ ऊपर जाके, जब पानी जब ऊपर गया तो उसके साथ में क्या जाएंगे, कुछ आपके सैंड के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल भी ऊपर चले जाएंगे उसके साथ। ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स के ऊपर से पानी का उड़ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अगर लीव्स पे क्या है, कुछ डस्ट जमी हुई है, डस्ट क्या होगी, उस पानी के लीव के साथ साथ क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद क्या होगा कि वही सारे जो पानी है जिसके अंदर डस्ट थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के टर्म्स में सरफेस पे आ जाएगी। और सरफेस भी कहाँ पे, जहाँ पे एग्जिस्टिंग रॉक, अगर वहां पे आ जाएगी तो वहां पे वो पार्टिकल क्या हो, डिपोजिट होते जाएंगे। इसको बोलते हैं आप केमिकल डिपोजिशन। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक डिपोजिशन। ऑर्गेनिक डिपोजिशन का मतलब है कि जो आपका सैंड है चाहे सिल्ट है या जो भी है, वो आपके ऑर्गेनिक मैटर के साथ उड़ के आ रही है, मतलब पत्तों के साथ उड़ के आ रही है, या फिर किसके साथ उड़ के आ रही है, वो आपके इंसेक्ट्स के थ्रू क्या हो रही है, वहां आके डिपॉजिट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। तो ये था आपका सेडिमेंट्री रॉक, के सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, उसके सब क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग इसके क्लासिफिकेशंस है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका जो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ये ग्रेट टेम्परेचर और हीट के कारण, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होती है, फॉर्मेशन होता है रॉक का। और प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो होती है वही कन्वर्ट होती है किसके अंदर, आपकी मेटामॉर्फिक या इस रॉक के अंदर। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, कि जो पहले से ही रॉक अवेलेबल है, चाहे वो सेडिमेंट्री हो चाहे वो इग्नेस हो, उसके ऊपर टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, तो वही रॉक क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में, तो उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है? तो ये आपकी हो गई तीनों रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अपन आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ, कि नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको तीन टाइप्स में आपको डिफाइन किया गया। पहला है आपका स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और थर्ड है फॉइलेटेड। पहला स्ट्रेटिफाइड, सेकेंड अनस्ट्रेटिफाइड और थर्ड फॉइलेटेड। अब क्या होता है स्ट्रेटिफाइड, जिस भी स्टोन के अंदर क्या हो, लेयर्स हो, ठीक है, डेफिनेट प्लेन हो या लेयर्स हो जिसके अंदर से वो क्या होगा, स्प्लिट होगा, उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब है एक ग्रेनुलर कॉम्पैक्ट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, जो लेयर बाय लेयर क्या होगा, एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाएंगे। तो एक ग्रेनुलर कॉम्पैक्टेड और डेंस स्ट्रक्चर को जो बोलोगे वो आप बोलोगे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अब लास्ट जो है फॉइलेटेड रॉक, जैसे बस सुना होगा आपने मुल्तानी मिट्टी, क्या है, एक तरह की फॉइलेटेड रॉक है। अब फॉइलेटेड रॉक क्या होता है, इसका एक डेफिनेट प्लेन होगा, मतलब एक ही लेयर के अंदर धीरे धीरे क्या हो रही है आपकी, वो हटता जा रहा है रॉक। जैसे बात करते हैं मुल्तानी मिट्टी, लेयर बाय लेयर क्या होती है, एक के बाद एक हटती है, उसको बोलते हैं फॉइलेटेड रॉक। तो ये कुछ टाइप्स थे किसके, फिजिकल क्लासिफिकेशन के। तो पहला था स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉइलेटेड। अब चलते हैं आपका लास्ट क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को आपने डिवाइड किया है तीन टाइप्स के अंदर, आर्गेलेशियस, सिलिशियस और आपका है कैलकेरियस। ये तरह तीन तरह के आपके थे, इसको आपने इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहली बात करें कैलकेरियस। कैलकेरियस रॉक्स वो जिसके अंदर कैल्शियम का कंपाउंड हो, कैलकेरियस रॉक जिसके अंदर कैल्शियम का कंपाउंड हो, उसका एग्जाम्पल याद रहेगा लाइम स्टोन और मार्बल, ये क्या है, कैलकेरियस रॉक है। मतलब मेजर कंपाउंड, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होगा, आपका कैल्शियम होगा। फिर नेक्स्ट जो दे रखा आपका आर्गिलेशियस, आर्गिलेशियस के अंदर होता है आपका एल्यूमिना, जिसके अंदर जैसे बोलते क्ले और एल्यूमिना जो होगा ये आएगा आपका आर्गिलेशियस रॉक के अंदर। उसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है स्लेट और लेटराइट। स्लेट और लेटराइट क्या है आपके, एक तरह का आर्गिलेशियस रॉक है। थर्ड अपन आते हैं वो आपका है सिलिशियस रॉक, जिसके अंदर क्या होगा, सिलिका होगा। तो सिलिका तो ऑब्वियस सी बात है किसमें होता है, क्वार्ट्ज के अंदर होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट, ये रॉक क्या करते हैं, सिलिका को कंटेन करते हैं। तो ये था आपका स्टोन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल, केमिकल और जियोलॉजिकल।